हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द ज्ञान यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, और आज मेरे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं पावर के बारे में। आज हम लोग क्या पढ़ाई करने वाले हैं? पावर। पावर एक बहुत ही छोटी सी टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी की, ठीक है। इसमें ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे, आज के लेक्चर में ही ये कंप्लीट हो जाएगा, ये समअप हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, तो ठीक है। बिना किसी डिले के लेट अस बिगिन। पावर होता क्या है? ओके, तो बच्चों फिजिक्स में पावर का मतलब होता है द रेट एट विच वर्क इज डन, यानी जिस रेट से काम किया जा सकता है, या फिर एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है या कन्वर्ट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। द रेट एट विच समबडी इज डूइंग सम वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और द रेट एट विच समबडी इज ट्रांसफरिंग और कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज नोन एज पावर। अगर इसको सरल भाषा में समझाऊं तो काम करने की क्षमता को हम पावर कहते हैं फिजिक्स में। काम करने की क्षमता को हम फिजिक्स में पावर कहते हैं, ठीक है। ये किस चीज का मेजरमेंट है कि कितनी जल्दी एनर्जी को यूज कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिजिक्स में पावरफुल होने का डेफिनेशन ये होता है कि आपके पास जो एनर्जी है, ठीक है, चाहे वो एनर्जी है इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो एनर्जी है इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आप जितनी जल्दी उस एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाओ या फिर उसको यूज कर पाओ, ठीक है, उस जल्दी को, उस फास्टनेस को हम पावर बोलते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली पावर कैसे डिफाइन होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द टाइम इट टेक्स फॉर दैट वर्क और एनर्जी ट्रांसफर टू अकर, ठीक है। ऐसा यूनिट होता है पावर का वॉट, जो कि जेम्स वॉट के नाम पे रखा गया था, जो कि स्टीम इंजन के इन्वेंटर थे, ठीक है। इनकी यू नो इनका इनके इनको रिस्पेक्ट देने के लिए बेसिकली, ठीक है, इससे ज्यादा क्या ही बोलेंगे, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए इनके नाम पर एक यूनिट रख दी गई, वॉट, जो कि पावर की SI यूनिट। ओके, अब यहाँ पर कुछ कॉमन यू नो कन्वर्जन यूनिट्स हैं, ठीक है, जैसे 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, या फिर 10^7 अर्ग पर सेकेंड, ठीक है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10^6 वॉट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10^3 वॉट। तो बेसिकली आपको ये सारे यूनिट्स रिमेम्बर करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। आई नो ट्रिकी है, बट याद रखना पड़ेगा। और जैसे ही क्वेश्चन करना शुरू करोगे पावर की, ठीक है, अपने टेक्स्ट बुक से, स्टडी मटेरियल से, वॉट एवर से, तो इतने क्वेश्चन कर लो कि मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इसको याद करने की जरूरत ही ना पड़े। आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके रहे आपके कि आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी दिमाग में आपकी बैठ जाए, ठीक है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर चुके रहो कि आपको ये स्पेशली अकेले बैठकर इसको रटना ना पड़े, आपके दिमाग में ऑलरेडी रहे बिकॉज ऑफ द रेपिटेशन। ओके, तो दीज आर दी कन्वर्जन यूनिट्स। व्हाट आर दीज कॉल्ड? कन्वर्जन यूनिट्स, ठीक है। क्यों इसका हम लोग न्यूमेरिकल में आगे यूज करेंगे? अब देखो फिजिक्स में ना बेसिकली पावर का मतलब होता क्या है, ये समझने की कोशिश करो। आप इनको देखो, दिस इज पर्सन ए एंड सपोज दिस इज पर्सन बी। ओके, अब पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? पर्सन ए जो है उसको मान लो कि ये जो हाइट उठा रहा है ना, ये जो यू नो वेट पर्सन ए और पर्सन बी दोनों उठा रहे हैं, ये मान लो उठाकर सेम हाइट पर लेकर जाते हैं, ठीक है। यानी ये भी एच हाइट लेकर जा रहा है इस वेट को, और ये भी सेकेंड वाला पर्सन भी इस वेट को एच हाइट लेकर जा रहा है, ठीक है। तो दोनों वेट को, और वेट भी दोनों की सेम है, यानी दोनों जो वेट उठा रहे हैं वो वेट की मास भी सेम है, ठीक है। तो जो पर्सन ए है और जो पर्सन बी है दोनों सेम वेट उठा रहे हैं, ठीक है, और सेम हाइट पर लेकर जा रहे हैं। बट अगर आप पर्सन ए को ऑब्जर्व करो पर्सन बी के कंपैरिजन में, तो पर्सन ए को ज्यादा टाइम लग रहा है वेट को उठाकर एच हाइट तक ले जाने में एज कंपेयर टू पर्सन बी। पर्सन बी को कम टाइम लग रहा है वेट को उठाकर एच हाइट पर ले जाने में। तो हम क्या बोलेंगे कि पावर किसकी ज्यादा है, पर्सन ए की या पर्सन बी की? ऑब्वियस सी बात है, पर्सन बी की पावर पर्सन ए से ज्यादा होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि
वर्क करने में जितना कम से कम टाइम लगेगा पावर उतनी ज्यादा कहलाएगी। फिजिक्स में पावर का डेफिनेशन क्या होता है? वर्क बाय टाइम। सो अगर पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, इसका मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो जितना कम समय लगेगा पावर उतनी ज्यादा। करेक्ट। अभी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा आप लोगों को पावर की, जब मैथमेटिकल इक्वेशन पढ़ाऊंगा। तो ये तो मैं बेसिकली बस आपको डेफिनेशन समझाने के लिए यहाँ पर रुका हूँ मैं, ठीक है? तो हम कहेंगे कि जो पर्सन ए का पावर है वो पर्सन बी के पावर से कम है। बच्चों, जो पर्सन ए का पावर है वो पर्सन बी के पावर से कम है। करेक्ट। सो इफ वर्क डन बाई टू बॉडीज इज सेम, ठीक है, मान लो कि दो बॉडी सेम वर्क कर रहे हैं, तब पावर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर वर्क तो सेम कर रहा है ना पर्सन ए और पर्सन बी। वर्क का मतलब क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स भी दोनों मान लो सेम लगा रहे हैं और सेम हाइट तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, बट कम समय में कर पा रहा है पर्सन बी, तो उसकी पावर ज्यादा होगी बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम जितना कम होगा पावर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, दैट इज द बॉडी विच परफॉर्म द गिवन वर्क इन लेसर टाइम। दिस इज द मेन फंडा, द की पॉइंट, दैट जितने कम टाइम में बॉडी जितना ज्यादा वर्क कर लेगी उसको हम उतना ज्यादा पावरफुल कहेंगे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ओके, तो सबसे पहले तो लेट अस ऐड अ स्लाइड एंड लेट अस टॉक अबाउट कि पावर को मैथमेटिकली कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखो, दो तरह का पावर होता है। एक होता है एवरेज पावर, पी एवरेज। इसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये पी एवरेज हो गया। ओके, इसकी एसआई यूनिट वी ऑलरेडी नो इज वॉट, इसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। दूसरे तरीके का वर्क होता है, पावर होता है, वो होता है इंस्टेंटेनियस पावर। अब हमें पता है इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है। इंस्टेंटेनियस पावर इज, कहीं पर भी अगर किसी इंस्टेंट की बात करेंगे तो डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो ये डब्ल्यू टोटल बाई टोटल टाइम हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी, यानी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वर्क इन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम। ठीक है, उसके रेट को हम पावर कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, अब मेरे को एक क्लियरली एक बात बताओ कि ये तो चलो इक्वेशन हमें समझ आ गई। अभी इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? एफ डॉट डी आर। करेक्ट। डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ डॉट डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। करेक्ट, यही है फॉर्मूला। तो डी आर बाई डी टी क्या होता है बच्चे? डी आर बाई डी टी इज वॉट? डी आर बाई डी टी इज वेलोसिटी। सो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ डॉट वी। सो एक चीज समझ आ रही है कि दैट इंप्लाइज इंस्टेंटेनियस पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ये इक्वेशन कई जगह पे आपको काम आएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसमें ये इक्वेशन बहुत 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 काम आने वाला है। ठीक है, बट लोग गलती क्या करते हैं ना, लोग सीधा लिख देते हैं पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी। पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी नहीं है बच्चों, ठीक है, क्योंकि पी में तो एवरेज और टोटल दोनों, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों हो गया ना। पी इंस्टेंटेनियस अगर लिखोगे तब मानेंगे कि हाँ, तब मैं मानूंगा या तब फिजिक्स की कम्युनिटी मानेगी कि हाँ पी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स डॉट वेलोसिटी, नॉट एग्जैक्टली इंटू एफ डॉट वी, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो आता है वो स्केलर आता है, तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। वी नो दैट कि दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट होता है उसका जो नो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है, तो दैट मीन्स पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। और ऑब्वियस सी बात है, ये तो मतलब वेल नोन फैक्ट है कि पावर जो है वो थोड़ी ना डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ऐसा थोड़ी है कि मेरी पावर 25 वॉट ईस्ट की तरफ होगी तो 30 वॉट नॉर्थ की तरफ होगी, ऐसा थोड़ी होता है। पावर जिस डायरेक्शन में जितना है वो हर डायरेक्शन में उतना ही रहेगा। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है सर आपका? व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर? पावर में भी ज्योमेट्री आती है क्या? बिल्कुल आती है, ज्योमेट्री फिजिक्स में हर जगह आती है ना। फिजिक्स में कहीं भी वी कैन नॉट नेग्लेक्ट ज्योमेट्री। माफ करना लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई है, बट आप लोग को क्या ही फर्क पड़ता है उससे।
आपको तो कंसेप्ट समझने से मतलब है, लाइन कैसे भी बने। एम आई करेक्ट? कमेंट सेक्शन में बताना, जो कि आप लोग नहीं लिखते हो पता नहीं क्यों। ठीक है, तो अगर मैं वर्क और टाइम को इधर प्लॉट करूं और इधर अगर पावर को प्लॉट करूं टाइम के साथ, ठीक है, ये अपना वर्क है, डब्ल्यू है। आई नो डब्ल्यू जैसा नहीं लग रहा है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मान लो अपना कोई कर्व है इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का कोई कर्व है, अगर हमें पर्टिकुलरली किसी एक पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, अगर मान लो भाई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, पॉइंट ए, तो ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा ना, यानी ये जो टेंजेंट का स्लोप होगा ये क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। डब्ल्यू टी कर्व के टेंजेंट का स्लोप डी डब्ल्यू बाई डी टी होगा, और वो क्या देता है अपने को, तो पावर। यानी जो वर्क टाइम ग्राफ है या वर्क टाइम कर्व है, उसके अगर किसी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पावर मिलेगा। अगर वर्क टाइम ग्राफ या वर्क टाइम कर्व के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पावर मिलेगा। सिमिलरली अगर मान लो कि कोई एक ऐसा कर्व है पावर और टाइम ग्राफ का, उसकी बाउंड्रीज अगर मान लो डिसाइड कर लेते हैं, दिस इज टी वन, दिस इज टी टू, दिस इज सपोज पी वन एंड दिस इज सपोज पी टू, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा, यानी पावर टाइम कर्व के अंदर का जो एरिया होगा वो आपको वर्क देगा। पावर टाइम कर्व के अंदर का जो एरिया होगा वो आपको वर्क देगा। कैसे सर? पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, करेक्ट। पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी। सो मान लो डी पी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी टी। तो इस तरीके से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यानी पावर को अगर एरिया निकालेंगे पावर टाइम कर्व का तो हमें क्या मिलेगा, यानी पावर को अगर टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ पावर टाइम ग्राफ गिव्स अस वर्क, गिव्स अस व्हाट, वर्क। एंड सिमिलरली यहाँ पर हमें पता है कि डी डब्ल्यू बाई डी टी इज पावर, सो वी ऑल्सो नो दैट कि किसी भी अगर यू नो वर्क टाइम कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर अगर हम एक स्लोप ड्रॉ करेंगे तो वो स्लोप की वैल्यू हमें पावर देगी। ओके, वेरी गुड। तो बच्चा लोग, पावर की थ्योरी इतनी ही है, पावर में आपको थ्योरी के नाम पर बस इतना ही पढ़ना है जितना मैंने बताया। ये डेफिनेशन, ये एसआई यूनिट, ये कन्वर्जन यूनिट, ये थोड़ी सी कंसेप्ट कि पावर फिजिक्स में बेसिकली होती क्या है, और ये इसका फॉर्मूला कि पी एवरेज क्या होता है, पी इंस्टेंटेनियस क्या होता है, दैट्स इट। और ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा आपको और फिजिक्स में पावर की थ्योरी के नाम पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, नथिंग इज देयर। ओके, सो क्वेश्चन करें अब, काम की चीज तो यही होती है अपने लिए, एग्जाम्पल्स। एक मैन है, वाह, मैन को काठी दिया मैंने। एक मैन है एम वन, ठीक है, जिसकी मास है 80 kg। एक मैन है एम वन, एम वन इस आदमी का नाम है, उसकी मास कितनी है, 80 kg, और वो एक सीढ़ी चढ़ पाता है 15 सेकेंड में। उसको सीढ़ी चढ़ने में लगते हैं 15 सेकेंड्स, यानी टी वन मान लेते हैं 15 सेकेंड्स, ठीक है। एक दूसरा मैन है एम टू, यहाँ पर एम लिखा है, बेसिकली ये होना चाहिए एम टू, या एम ही ले लो, जो भी ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है नाम से। एम टू वो भी 80 kg का है, मतलब एम वन के जितना ही वेट है उसका भी। उसको सीढ़ी चढ़ने में 20 सेकेंड लगते हैं। आप देख रहे हो, वेट से पावर का कोई लेना देना नहीं होगा। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। रेशियो ऑफ द पावर डेवलप्ड बाई देम विल बी वॉट, तो दोनों के पावर का रेशियो क्या होगा। देखो बेटा, दोनों के जो मासेज है वो सेम है, करेक्ट, दोनों के जो मासेज हैं वो सेम है, तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या होता है, एफ डॉट एस डिवाइडेड बाई टी। एफ क्या होता है, एम ए डॉट एस डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करेंगे नहीं, मास दोनों की कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों की कांस्टेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में पता है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों की सेम है, दोनों सीढ़ी पर ही चढ़कर सीढ़ी पर ही चढ़ रहे हैं, है ना, दोनों पॉइंट ए पर स्टार्ट कर रहे हैं और पॉइंट बी सीढ़ी पर ही चढ़ रहे हैं,
ठीक है, भले ही टाइम दोनों को अलग अलग लग रहा है, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, मास भी सेम है, ठीक है, एक्सलरेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो पावर यूजुअली डिपेंड किस पे करेगा फिर? टाइम पे करेगा। तो यूजुअली पावर डिपेंड भी करता है टाइम पर, तो अगर पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी के हो गया, तो P1 बाई P2, यानी पहले इंसान का पावर दूसरे इंसान के टाइम के बराबर, और दूसरे इंसान का पावर पहले इंसान के टाइम के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, T2 इज हाउ मच 20, P1 इज हाउ मच 15। इसको सॉल्व करोगे 5 4 जो 20, 5 3 जो 15, यानी P1 P2 की रेशियो क्या आ गई, 4/3। P1 बाई P2 की रेशियो क्या आ गई, 4/3। ये आपका आंसर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, मगर प्यार से। ओ गॉड, पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ। ठीक है बच्चों, बोरिंग टॉपिक है यार, बोरिंग टॉपिक है। मैं फिजिक्स में बहुत कम टॉपिक्स को बोरिंग बोलता हूँ, बट ये है। बट कोई बात नहीं बच्चों, आसान भी है, अगर इससे क्वेश्चन आ गए तो बल्ले बल्ले श्योर शॉट बनेंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है यार, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत आसान। कोई भी क्वेश्चन, अभी मैं JEE के भी क्वेश्चन करवाऊंगा, देखना कितनी लुल्लू पूछू क्वेश्चन। एक लिफ्ट है जिसको डिजाइन किया गया है टू कैरी अ लोड ऑफ 4000 kg, मतलब अगर 5000 kg हो गई, 4001 kg हो गई, तो लिफ्ट का केबल टूट जाएगा और लोगों की मौत हो जाएगी, ठीक है, तो मतलब विदस्टैंड कितना मैक्सिमम कर सकता है, 4000 किलोग्राम, और 10 फ्लोर तक लिफ्ट जाता है, हर एक फ्लोर की हाइट 6 मीटर है, पूरी बिल्डिंग 10 फ्लोर की है, हर एक फ्लोर की हाइट 6 मीटर है, तो 6 6 मीटर 6 6 मीटर लिफ्ट कवर करता है 10 फ्लोर तक, मतलब टोटल हाइट कितनी कवर कर रहा है लिफ्ट, टोटल हाइट जो लिफ्ट कवर कर रहा है वो है 10 × 6 60 मीटर्स। बात यहीं पर खत्म हो गई, टोटल एच आ गई। कितना टाइम लगता है एक फ्लोर को कंप्लीट करने में उसको, 10 सेकेंड। 10 फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग एवरेजिंग 6 मीटर पर फ्लोर इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द हॉर्स पावर ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट की हॉर्स पावर निकालनी है। क्या कर सकते हैं बच्चों इसमें, व्हाट कुड बी आर अप्रोच, क्या 2 मिनट आप सोचना चाहोगे, व्हाट कुड बी आर अप्रोच, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके सोचना चाहोगे। आई होप आप लोगों ने अपना दिमाग लगाया होगा, कुछ तो सोचा होगा। चलो अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है बच्चे, अगर कोई लिफ्ट मान लो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे बेसिकली, ठीक है, एक नीचे फोर्स लगेगा उसका mg, ठीक है, और एक जो फोर्स लगेगा, कुछ नहीं, और कौन सा फोर्स लगेगा, कोई फोर्स लगेगा, और h हाइट पे ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, वॉट एवर, ठीक है, ओके। तो जो पावर होगा वो होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क कौन सा फोर्स कर रहा है, वर्क कौन सा फोर्स कर रहा है, वर्क कर रहा है ग्रेविटी का फोर्स यानी mg, और कितने हाइट तक लेके जा रहा है, h हाइट तक, तो mgh, ठीक है, डिवाइडेड बाय t, व्हाट इज मास, मास इज 4000, g इज 10, h इज हाउ मच, h इज 6 × 10 60। टाइम कितना लग रहा है बच्चे, टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड, ये और ये गया, ठीक है, अपने को आया कितना, 4 × 6 24, 24,000 वॉट्स। अब हमें हॉर्स पावर में पता करना है, बट वी नीड टू फाइंड इन हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जो मैंने बताया था, अगर 1 वॉट इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट, अगर 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट, तो वॉट को हॉर्स पावर में कंप्लीट का यू नो कैलकुलेट करने के लिए इसको 746 से डिवाइड दे देंगे, तो जब इसको 746 से डिवाइड दोगे तो ये आएगा 315 हॉर्स पावर, ऑलमोस्ट 315.28 या 2, 9 आएगा, बट बेसिकली आएगा यही, ठीक है। तो हमने यहाँ पर करा क्या, फिजिक्स यही पर थी, मैथमेटिक्स है ये यहाँ पर बेकार सी, फिजिक्स बस यहीं तक थी कि सर वर्क कौन सा फोर्स करेगा लिफ्ट पे, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स अभी तक, क्योंकि फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है, तो mgh विल बी द वर्क, और टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड, सब कुछ गिवेन है, विल फाइंड द आंसर, ठीक है। घबराना मत, रोना मत कि सर अभी और क्वेश्चंस करवा दो, करवाएंगे बहुत क्वेश्चंस करवाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, सी दिस क्वेश्चन, एक एलिवेटर है विच कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg, ठीक है, वही बात है कि एक लिफ्ट है जिसने मैक्सिमम लोड कितना कैरी करना है, 1800, यानी एलिवेटर का खुद का वजन और पैसेंजर को मिलाकर 1800 किलो होना चाहिए, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, यानी एक लिफ्ट है जो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है
जो कि लिफ्ट को अपोज कर रहा होगा, लिफ्ट के मोशन को, वो 4000 न्यूटन है। यानी फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है 4000 न्यूटन का, और नीचे एक और फोर्स लग रहा होगा उसकी ग्रेविटी का फोर्स mg, बट लिफ्ट जा रही है ऊपर। व्हाट इज द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर? अब एलिवेटर का जो मोटर है, जो एलिवेटर को ऊपर की तरफ जाने दे रहा है, जो इंजन है, वो एलिवेटर पे कितना पावर लगा रहा होगा, हमें ये निकालना, ठीक है, ताकि एलिवेटर ऊपर जाता रहे बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि हम कितना पावर दे रहे हैं मोटर को, करेक्ट? पहले अगर हम ये जान जाएं कि हम कितना पावर दे रहे हैं मोटर को, तो आई थिंक हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। बट देख लेते हैं, देख लेते हैं टोटल नेट फोर्स किधर लग रहा है बच्चों। नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। देख लो इधर 4000 और इधर mg, तो FD यानी F डाउनवर्ड, या मैं ऐसे ही लिख देता हूँ पूरा वरना आप लोग रोने लग जाओगे। अपर डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं लग रहा सर, ठीक है, तो F डाउनवर्ड क्या लग रहा है? एक mg का फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स और एक फ्रिक्शन का फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है? 1800, मास है, जी को 10 ले लेते हैं, और ये हो गया अपना 4000, ठीक है। तो 18000 प्लस 4000 ये कितना हो गया? 22000 न्यूटन, ठीक है, ये अपना लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स। अब पावर का एक और फॉर्मूला हम लोगों को पता है, बेहतरीन फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू F.V, ठीक है। फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? ये हो जाएगा FV cos थीटा। तो थीटा विल बी जीरो बिकॉज दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दिस विल बी, ठीक है, कॉस जीरो, सॉरी थीटा विल बी जीरो, सो कॉस जीरो विल बी वन। हाउ इट विल बी जीरो सर? इफ थीटा विल बी जीरो, कॉस जीरो विल बिकम वन। सो फोर्स इज हाउ मच, अभी हमने निकाला 22000, और वेलोसिटी कितनी है? 2, यानी 44000 वॉट पावर लग रहा है, और अगर इसको किलो वॉट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 44 किलो वॉट। थोड़ा सुंदर लग रहा है ना किलो वॉट में, ये गंदा सा है 44000, तो 44 किलो वॉट विल बी योर आंसर। कि इतना पावर एलिवेटर मोटर को, सॉरी मोटर एलिवेटर को प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, ताकि वो कंटिन्यूअसली अपना ऑपरेशन कर पाए। तो हमने क्या किया, पहले नेट फोर्स निकाल लिया जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में था FBD बनाकर, उसके बाद उसको इस वाली इक्वेशन में डाल दिया, क्योंकि पावर का dW/dt वाला इक्वेशन या W/T वाला इक्वेशन यार नहीं लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता कहाँ है कि कितना ऊपर जा रहा है या कितनी हाइट एलिवेटर ने कवर करी, वी डोंट नो। तो हम लोग वर्क निकाल ही नहीं सकते बिना हाइट जाने या बिना डिस्प्लेसमेंट जाने। हमारे पास गिवन क्या था? स्पीड। स्पीड को कैसे पावर से रिलेट करेंगे? इंस्टेंटेनियस पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, P इज इक्वल टू F.V, सिंपल। समझ आया ये फॉर्मूला क्यों लगाया? नहीं समझ आया तो अपने मुंह पे पानी मार कर आओ, समझ आ जाए। ओके, पावर सप्लाई टू अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, ठीक है, 2 kg का मास है, ठीक है, जिसको हम पावर सप्लाई कर रहे हैं, और उसकी जो पावर की टाइम के साथ वेरिएशन है वो इस तरीके की है, 3T² / 2 W, ठीक है। अगर वेलोसिटी पार्टिकल का टी इज इक्वल टू 0 पे, वी इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, तो 2 सेकेंड होने के बाद पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? पूछा जा रहा है, अगर इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था तो 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? पावर जो है, जो कि पार्टिकल को सप्लाई किया जा रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसकी इक्वेशन गिवन है। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, अपने को पावर का इक्वेशन दिया हुआ है, अपने को वेलोसिटी चाहिए, क्या फोर्स गिवन है? क्या फोर्स गिवन है? क्या हम यहाँ पर P इज इक्वल टू F.V लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज फोर्स इज नॉट गिवन सर, और फोर्स को निकालने का कोई तरीका भी हमारे पास नहीं है। फोर्स को निकालने का और कोई मेथड हमारे पास है नहीं। मास गिवन है बट एक्सेलरेशन कहाँ है? F इज इक्वल टू ma कर ले, वी डोंट नो दैट, ठीक है। वेलोसिटी तो हमें निकालनी है सर, तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो P इज इक्वल टू F.V नहीं लगा सकते, अब क्या करें? अब क्या करें? हमें तो ये भी नहीं पता कितनी हाइट जा रहा है, तो W/T कैसे लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो कैसे जादू होगा अभी। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, W टोटल इस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, और नेटवर्क या टोटल वर्क को हम इंटीग्रल PdT भी बोल सकते हैं। हमने अभी देखा था यहाँ पर कि PdT क्या देता है? टोटल वर्क देता है ना, ये यहाँ पर लगा देंगे ना,
पीडीटी क्या देता है अपने को, टोटल वर्क, ये मैं इरेज कर देता हूँ एक गंदा सा जो मैंने ब्रैकेट बना दिया, पीडीटी देता है। तो डब्ल्यू टोटल को हमने क्या मान लिया, पीडीटी मान लिया, वेरी गुड। ठीक है, इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था तो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, के इनिशियल विल बी जीरो बिकॉज वी वॉज जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो, और ये मैं खुद नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो के आई विल बी जीरो, के आई विल बी जीरो। अब बचा क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। ठीक है, हमें लेना कहाँ इंटीग्रल, जीरो से लेके टू तक। ठीक है, हमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रल लेना है, क्यों सर टू तक, क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है भैया एट टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, ओके। सो अब क्या हो जाएगा, ये पावर का इक्वेशन क्या है, सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए जोन आउट हो गया था, जीरो से टू 3t² / 2 dt। ठीक है, ये हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। और स्लाइड ले लेते हैं, तो इंटीग्रल जीरो से टू 3t² / 2 dt इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, यही थी ना 3t² / 2 dt। थ्री इंटीग्रल साइन के बाहर, जीरो से टू 3/2 को कर देते हैं इंटीग्रल साइन के बाहर, ये हो जाएगा t² dt हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3/2 t³/3, करेक्ट, जीरो से टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। तो ये 3 और 3 कैंसिल, बचा क्या, t³/2, जीरो से टू। मैं स्टेप बाय स्टेप इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को, जिनको मुझे पता है कि इंटीग्रेशन बिल्कुल आप भूल चुके होंगे जो बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ी थी फिजिक्स के, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, कि आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कैसे हो रही है इंटीग्रेशन, कैसे लिमिट पुट करते हैं नॉल। अपर लिमिट डालेंगे 2³/2 - लोअर लिमिट, तो 0 ही हो गया, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। आई नो आप लोग बहुत महान लोग हो ना, आप लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, 2 टू 4, 4 टू जाए 8, 8 बाई 2 4, 4 इज 1/2 एम वी एफ स्क्वायर। बच्चों व्हाट इज एम, एम इज 2 kg, तो 4 इज इक्वल टू 1/2 × 2 वी एफ स्क्वायर, ये 2 और 2 गया, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 2 m/s, फाइनल वेलोसिटी विल बी 2 m/s। हाँ भाई, तो 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी इतना पावर सप्लाई करने पे, 2 m/s, देख लो। खैर ये तो इंटीग्रेशन है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया हमने। क्योंकि हमारे पास इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड तो होना चाहिए, हमने इतने क्वेश्चन तो सॉल्व कर रखे हैं फिजिक्स में कि इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड तो अब हमारे पास डेवलप कर जानी चाहिए, कि अगर डेटा जो गिवन है उससे हम कैसे मैनिपुलेट करके हमारी रिक्वायर्ड डेटा निकालें। अब देखो एक इंजन है जो कि 100 kg पानी को पंप कर सकता है 10 m हाइट तक 5 सेकेंड में, अपना मोटर जो होता है ना इंजन वाला, ठीक है, मोटर जो होता है इंजन वाला, वाह, पानी वाला जो मोटर होता है ना घर में लगा रहता है, ठीक है, वो ग्राउंड वाटर को ही तो पंप करके आपकी बिल्डिंग के हर एक फ्लोर तक पहुंचाता है। तो वही फिनोमेना वाली बात हो रही है कि जो आपका पानी का मोटर है, ठीक है, वो 100 किलो पानी ग्राउंड वाटर से 10 m हाइट तक पहुंचा सकता है 5 सेकेंड में। ठीक है, इंजन की एफिशिएंसी 60% है, मतलब उसको जितनी एनर्जी दी जाएगी मोटर को उसका वो 60% उपयोग करेगा, तो इंजन की पावर कितनी होगी, टेक जी इज इक्वल टू 10 m/s, यही पूछा जा रहा है। तो पहले तो ये देखते हैं कि इंजन को पावर दी कितनी जा रही है, हम एज अ यू नो सोर्स ऑफ पावर कितना इंजन को पावर दे रहे होंगे पहले वो निकाल लेते हैं, उसके बाद एफिशिएंसी दी हुई है तो ये भी पता चल जाएगा कि उसका 60% कितना है। ठीक है, तो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन mgh/t। ठीक है, mgh वो mdh है, सॉरी। ठीक है, मास इज, घटिया जोक मार देता हूँ कभी कभी, माफ करना मुझे बच्चों, मास इज 100, जी को अपन 10 लेंगे, मैं हमेशा 10 लेता हूँ, 9.8 लिखा रहेगा फिर भी 10 ही लूंगा बाहर में जाए,
हाइट लेंगे 10 mgh, ठीक है, टोटल टाइम इज 5, ये दो बार में कट गया, ये हो गया 2000 वॉट, ठीक है। अब इतना जो है टोटल पावर सप्लाई हो रहा है इंजन को, यानी इंजन की इतनी हैसियत है उस पावर लेने की, बट पावर यूज करने की कितनी हैसियत है, इसकी 60%, जितनी उसको मिल रही है उसकी 60% वो यूज करेगा, बाकी कहाँ जाएगा सर, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, अभी मेरा दिमाग मत खराब करो कि सर बाकी 40% कहाँ गया, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लेना, ठीक है। तो पावर यूज बाई इंजन, जब पढ़ाऊंगा थर्मो को, ठीक है, 2000 × 60/100, इसको जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 3.3 किलोवाट्स, दिस इज योर आंसर। सो कितना पावर इंजन यूज कर रहा है, टू पंप अप द 100 किलोग्राम ऑफ वाटर टू 10 मीटर हाइट इन 5 सेकेंड्स, 3.3 किलो वाट्स, वाट्स, वेरी गुड बच्चों, क्लियर कट क्वेश्चन। एमजीएच क्यों लगा रहे हैं भैया, जहां पर हाइट की बात आ गई वहां पर एमजीएच ही लगाएंगे, याद रखना, ठीक है, बिकॉज फोर्स एमजी, डिस्प्लेसमेंट एच। अब देखो ये जेई मेंस 2020 का लल बबुआ क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। एक 60 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि लिफ्ट करता है एक एलिवेटर को, जिसकी मैक्सिमम टोटल लोड कैपेसिटी कितनी है, 2000 किलोग्राम। मैं इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मास इज 2000 किलोग्राम। इलेक्ट्रिक मोटर की पावर कितनी है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज 60 हॉर्स पावर, लिफ्ट कर सकता है ये, ठीक है, एक एलिवेटर को उसकी मैक्सिमम टोटल कैपेसिटी के साथ। इतना फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है, 4000 न्यूटन। स्पीड ऑफ द एलिवेटर एट फुल लोड, अब मान लो एलिवेटर बिल्कुल भरा हुआ है मुंबई की लोकल ट्रेन के जैसा, मतलब जितनी उसकी मैक्सिमम लोड है वहां तक भर दिया एलिवेटर को, तो एलिवेटर की स्पीड लोड पे क्या होगी, लोड मतलब मैक्सिमम लोड पे, मैक्सिमम लोड पे क्या होगी, हॉर्स पावर गिवन है, जी गिवन है, ठीक है। अब समझो एक एलिवेटर है, ठीक है, मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, इस पर नीचे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है, एक एमजी लग रहा है, ठीक है, तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा बेटा, थोड़ी मार्कर की कलर चेंज कर लेते हैं वरना आपको बोर लगेगा, जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, एम जी प्लस एफ ना, ठीक है, तो एम जी इज हाउ मच, 2000 × 10 प्लस 4000, ठीक है, ये अगेन आ गया 24,000 न्यूटन्स, ये आ गया कितना, 24,000 न्यूटन्स। अब हमें निकालना है क्या, वेलोसिटी, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट वी, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एफ। अब पावर इज गिवन इन हॉर्स पावर, इसको वॉट में कन्वर्ट करने के लिए 746 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो यानी 60 × 746 डिवाइडेड बाई 24,000, इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट 1.9 मीटर पर सेकेंड। उप्स, तो मैं बड़ा कैसे हो गया, यू विल गेट 1.9 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी होगी लिफ्ट की, देख रहे हो कितना धीमे चल रही है, ऑलमोस्ट 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रही है लिफ्ट। अब भर दोगे भाई लिफ्ट को पूरे उसके फुल कैपेसिटी से, इतनी वेट 2000 किलो लिफ्ट लेकर चल रहा है, चलो 2000 में से मान लो लिफ्ट का खुद का वेट होगा तो 1500 किलो भी अगर लिफ्ट लेकर चल रहा है और खुद उसका 500 किलो का वेट है, ऑब्वियसली उसको ऊपर जाने में बहुत टाइम लगेगा, धीमी स्पीड से चलेगा, नॉर्मल फिजिक्स है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, मैं प्रोसेस बता दूँ एक बार, देख रहे हो ये लल बबुआ क्वेश्चन, क्या ही औकात है इन क्वेश्चन से, मास गिवेन है, पावर गिवेन है, फ्रिक्शनल फोर्स गिवेन है, वेलोसिटी निकालनी है, ऑब्वियस सी बात है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ही लगाएंगे, ये तो आपके दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए, बट इसमें एफ कैसे निकालेंगे, तो पहले एफ नेट निकाल लिया और उसके बाद उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। जेई मेन्स 2016 का क्वेश्चन, देखो बच्चों, अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग इन अ सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है यहाँ पर, एक एम मास का पार्टिकल मूव कर रहा है, ओके, ऑफ फिक्स्ड रेडियस, मान लो सर्कल का रेडियस है कैपिटल आर, ओके, इस तरीके से ये मूव कर रहा है सर्कल में कि जो इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, यानी वी स्क्वायर बाई आर की जो वैल्यू है एट एनी टाइम इज एन स्क्वायर आर टी स्क्वायर, इट इज गिवन बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट एनी टाइम इज गिवन बाय एन स्क्वायर आर टी स्क्वायर, जहां पे एन एक कांस्टेंट है,
पावर डिलीवर टू द पार्टिकल बाय फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो कितना पावर डिलीवर कर रहा होगा, ठीक है, सबको ऐसा यूनिट पे मेजर करना है बच्चों हमें, ठीक है। तो वी स्क्वायर को इधर रहने दो, आर को उधर साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, कूल लग रहा है इसको इक्वेशन नंबर वन मान लो। क्या किया हमने, आर को इधर साइड भेज दिया, तो आर इंटू आर आर स्क्वायर बाकी एन स्क्वायर टी स्क्वायर तो पहले से था, और वी स्क्वायर बाई आर क्या है सर, अगर ये पूछ रहे हो तो दो चमाट मारो खुद को और मेरी सर्कुलर मोशन की वीडियो देखो। वी स्क्वायर बाई आर इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ओके। तो वी स्क्वायर इज एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दैट, दैट इज nrt, दैट इज nrt, ओके। इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेते हैं, ऊपर वाले को जाने दो यार। ओके dv बाय dt क्या हो जाएगा, nr, dv बाय dt क्या होता है nr, ये भी मिल गया। अब देखो पावर इज इक्वल टू fv, f इज ma, ए इज डीवी बाई डी टी इंटू वी, ठीक है, एम इंटू डीवी बाई डी टी का फॉर्मूला क्या आया था एन आर, और वी का फॉर्मूला क्या आया था एन आर टी फ्रॉम इक्वेशन वन, देख लो, वी का फॉर्मूला एन आर टी, डीवी बाई डी टी का एन आर, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, एफ इज इक्वल टू एम ए, और ए को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वही यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, बताना पड़ जाता है आप लोगों को, आप लोग बेवकूफ बच्चे हो ना। ये क्या हो जाएगा, एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी, ये अपना पावर आ गया, एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी, यही तो आंसर है, अब इसके अलावा और क्या सॉल्व करवाओगे मेरे से, यही आंसर है भाई, दिस इज द आंसर सर, इतना आसान, इतना ही आसान, पावर एक आसान टॉपिक है, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही बोला था पावर इज अ इजी पीजी लेमन स्क्वीजी टॉपिक, ओके बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, इसका सेशन नोट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में चैट के, सॉरी वीडियो के, ठीक है। ये मेरा चैनल है विज्ञान, आप लोग जानते हो, चैनल पर अगर आए हो तो चैनल का नाम, तो वेट क्या कर रहे हो, पड़ोसी से पूछ के सब्सक्राइब करोगे, भैया सब्सक्राइब करो यार, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, मुझे बोलना शोभा नहीं देता, मतलब मैं बोलूंगा तब सब्सक्राइब करोगे, क्या कर रहे हो तुम लोग, सपोर्ट नहीं दोगे तो फिर मजा कैसे आएगा मुझे, मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, पैसे मांग रहा हूँ, नहीं मांग रहा हूँ ना, तो जस्ट गिव मी सपोर्ट ना, विच आई रिक्वायर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइज, एंड आपकी सपोर्ट क्या हो सकती है, आपकी सपोर्ट हो सकती है आपका सब्सक्राइब करना इस चैनल को, दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।